guys, I am Meghajan and welcome back to my channel. Today we will talk about what is the use of aloe vera gel for our hairs. देखिए आपको पता ही है कि स्किन के लिए तो एलोवेरा जेल है ही बहुत बेनिफिशियल, लेकिन ये बालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ये यूज़ करते हैं. मैंने एक हेयर ऑयल रेडी किया है और वो भी बहुत बिल्कुल ऑर्गेनिक है. देखिए मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा के ऑयल अवेलेबल है, लेकिन वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक नहीं होते हैं. तो अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसे घर पर बना सकते हैं, तो वाई नॉट. तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि एलोवेरा जेल, यानी कि एलोवेरा का जो जेल होता है, उसी से आप घर पे ऑयल तैयार कीजिए. तो चलिए अपना हेयर ऑयल तैयार करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम एलोवेरा की कुछ लीव्स लेंगे. आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको वॉश कर लिया है. वॉश करने के बाद हमें एक नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी. अब नाइफ की हेल्प से हम इसको बहुत फाइन चॉप कर लेंगे. जितना आप इसको फाइन चॉप करेंगे, उतना ही हमें एलोवेरा का ऑयल बनाने में हेल्प मिलेगी. देखिए कितनी फाइन चॉपिंग है. अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे चॉप हो चुके हैं. अब हम एक पैन ले लेंगे और इस ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए पैराशूट का कोकोनट ऑयल. मैं पैराशूट का ही रिकमेंड करूंगी, आप कोई सी भी ले सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बनाने का प्रोसेस. अब देखिए मैंने सारा का सारा कोकोनट ऑयल इसमें डाल लिया है. मैंने डबल बॉयलर मेथड से ही इसको बॉईल किया है और ये पूरा मेल्ट हो चुका है, आप देख ही रहे हैं. अब हम इसमें अपने एलोवेरा की लीव्स डाल देंगे जो हमने फाइन चॉप कर ली थी. मेक श्योर कि आप ये ऑयल बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएं. अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो इसमें जितने ही पोषक तत्व होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे. ये कम से कम एक घंटे तक आपका बॉयल होगा. एक घंटे बाद ही ये सारा का सारा, आप अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके जो पोषक तत्व है अगर वो नष्ट नहीं करने हैं तो इसको लो फ्लेम पे बनाइएगा और एक घंटे में ये तैयार हो जाएगा. देखिए आप देख रहे हैं एलोवेरा का जितना पल्प था सब हमारा तेल में मिल चुका है. बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए ना, ग्रीन से ब्राउन हो जाए, तब आपको अपना स्टोव बंद करना है. और आप देखेंगे कि मतलब एलोवेरा की जितनी लीव्स हैं उनमें जेल बचा ही नहीं है. तब आप अपना स्टोव बंद कर दीजिएगा. तो आप फ्लेम बंद कर देंगे. अब देखिए मैंने ये स्टेनर की हेल्प से स्टेन कर लिया है. अब हम ये सारा का सारा ऑयल अपना उसी कंटेनर में डाल लेंगे. ये देखिए ये देखिए हमारा बन के तैयार है बिल्कुल. देखिए आपने प्रोसेस देख ही लिया है कि हमने हेयर ऑयल कैसे तैयार किया है. ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा. और अब आपको ये अपने बालों पे अप्लाई करना है. बालों में अप्लाई करने का सिंपल मेथड होता है, जिस तरीके से आप बालों में अपने अप्लाई करना चाहते हैं उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. मैंने आपको पहले भी हेयर मसाज की वीडियो आपके साथ शेयर की है और इस बार भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लगाइए. इस तरीके से स्कैल्प के हर एक हिस्से पर आपको लगाना है. आपको मसाज की पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. मैंने उसमें सारे मसाज के मेथड बता रखे हैं और सारे स्टेप्स बता रखे हैं कि किस तरीके से आपको हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए. अब देखिए मैंने अपने हाथों पे ले लिया है और मैं बहुत अच्छे से इसको मसाज कर लेती हूँ. इस तरीके से आपको मसाज देनी है और इस तरीके से आपको अपने सारे बालों में लगा लेना है. ओवर द नाइट छोड़ने के बाद आपको सुबह सुबह वॉश कर लेना है. आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है. I hope friends you will like my video. If you like my video then subscribe my channel. If you want to get all notification of my video then please press on bell icon. Please like and comment our video. Your all comment inspire me to making next video. Thank you so much for watching. Same information. Thank you.